हो जाएगा, वो ना ही जो पीपीटी में बना के लाया वो खुल रही है, वैसे ही पढ़ेंगे। और अभी और लेक्चर रहेंगे उसमें रिवाइज कर देंगे हम, जो पीपीटी रहेगी हमारी उसमें हम रिवाइज कर देंगे दोबारा से उसको। एनिमल किंगडम में एनिमल किंगडम में बेटा आ जाओ, ये जा रहे हो क्या मेडिसिन जमा का है? एनिमल किंगडम को अगर आप स्टडी करेंगे तो इसको दो ग्रुप में मेनली बांटा गया है। पहला ग्रुप है इनवर्टिब्रेट, दूसरा ग्रुप है बेटा वर्टिब्रेट। सबको क्लियर है ये बात? ये हम किस आधार पे ये बांटते हैं कि जिसके अंदर नोट अबाउट नहीं कि वर्टिब्रा कॉलम है तो उनको बोलेंगे वर्टिब्रेट, और जिनके अंदर वर्टिब्रा कॉलम नहीं है उनको बोलेंगे हम वर्टिब्रेट। अभी एक बच्चे ने कहा नोट अबाउट, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रा कॉलम आपकी हिसाब से क्या सेम होती है चीज या अलग होती है दोनों चीजें? क्या इसको हम सिनोनिम यानी पर्यायवाची की तरह यूज कर सकते हैं? नहीं, नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रा कॉलम में डिफरेंस होता है। नोटोकॉर्ड जो होता है ये एनिमल में डेवलपमेंटल स्टेज में बनता है, और जिनके अंदर ये प्रेजेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट नहीं, कॉर्डेट्स। देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस, थोड़ा सा अंतर है, स्लाइट डिफरेंस है। जिनमें यहां से समझ लो, जिनके अंदर ये कॉर्ड आ गया लिखा हुआ, यहां से आइडिया हो जाएगा आपको। दैट मींस कि कॉर्डेट, इसका मतलब क्या हुआ? कॉर्डेट। आपको कोई चीज नहीं दिमाग लगानी है, यहाँ से देख लो नोटोकॉर्ड मतलब जिसके अंदर नोटोकॉर्ड है वो क्या हुआ? कॉर्डेट, ये अपने आप ही बता रहा है। और जिसके अंदर ये वर्टिब्रा कॉलम तो वो क्या हो गया? यहाँ सीधा लिखा है वर्टिब्रा, दैट आर दोज आर वर्टिब्रेट्स। अब इसमें कहो इसका अंतर क्या है? क्या कॉर्डेट वर्टिब्रेट होते हैं या वर्टिब्रेट कॉर्डेट होते हैं? थोड़ा बहुत अंतर है, आप समझिए। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, जब डेवलपमेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है एनिमल का, प्री एम्ब्रियो डेवलपमेंट मतलब बर्थ नहीं हुआ प्रीनेटल, तो उस समय पे नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है, और उसके बाद एडल्ट फॉर्मेशन में या लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हो जाता है? ये नोटोकॉर्ड बदल जाती है किसमें? वर्टिब्रा कॉलम में। वो ध्यान दे उस बात पे, नोटोकॉर्ड किसे बदल जाती है? वर्टिब्रा कॉलम में, कभी कंफ्यूज मत होना। अब यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई कि जिनके अंदर वर्टिब्रा कॉलम है, जिन एनिमल्स के अंदर वर्टिब्रा कॉलम है उनके अंदर नोटोकॉर्ड होगी कि नहीं? भाई ये नो कैसे बोल रहे हो आप? ये नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रा कॉलम बन रही है, समझे नहीं बेटा? ये ही तो कंफ्यूजन है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए एनिमल्स विच आर हैविंग वर्टिब्रा कॉलम आर हैविंग नोटोकॉर्ड इन देयर लाइफ एनी टाइम ऑफ देयर लाइफ स्टेट ऑफ नोट, कि जिनके अंदर वर्टिब्रा कॉलम है क्या उनके जीवन में कभी नोटोकॉर्ड पाई जाती है? तो आपका आंसर आएगा यस। क्यों? ये ऐसे है जैसे हम किसी फील्ड में जाके कोई सीड बोते हैं, हम क्या करते हैं? सीड सोइंग करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई क्रॉप उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? तो पौधा जगी तो उगेगा जब वहां पे बीज होगा। ये आप यहाँ से इसको एनालॉगस देख सकते हैं, पौधा तो उसी का बनेगा जब बीज हुआ है। तो अगर पौधा हुआ है तो उसका मतलब उसका बीज जरूर उस खेत में उस फील्ड में डाला गया है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो पौधे से आपको ये आइडिया हो गया है कि हम आपका दिमाग चलना होगा कि सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, बडिंग भी होती है, वहां छोड़ दो, जनरली हम सीड की बात कर रहे हैं कि क्रॉप अगर हुई है, पौधा अगर हुआ है तो उसका मतलब वहां पे सीड डाला गया है, सीड सोइंग की गई है। ये बिल्कुल क्लियर है, जब वर्टिब्रा कॉलम है उसका मतलब उसके अंदर नोटोकॉर्ड रही है। आगे आके नोटोकॉर्ड किसने बदल गई है? वर्टिब्रा कॉलम में। तो इससे क्या पता चलता है कि वर्टिब्रेट और कॉर्डेट में ये डिफरेंस आप जान लो,
हम केवल कॉर्डेट उन्हें कहते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड है, हम वर्टिब्रेट उनको कहते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रा कॉलम है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर? किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब इसमें डिफरेंस सब जान लो, ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, समझना, बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते, समझ रहे हो ना? यही ध्यान रखोगे, बात पकड़ के रखोगे तो समझ में आएगा, जरा सा हटोगे भूल जाओगे फिर नहीं समझ में आएगा। सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट होते हैं बट सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट नहीं होते हैं। इसको आप रीजनिंग से समझिए, आप लोग रीजनिंग जरूर करते होंगे। ऑल प्लांट्स आर सीड बट ऑल सीड्स आर नॉट प्लांट, सभी पौधे बीज हैं, कैसे हैं पर सभी बीज पौधे नहीं है। समझ में आई है बात? नहीं भाई, हमने खेत में जाके फील्ड में जाके हमने बीज बोए, हमने गेहूं बोए, यहाँ सब हमारे एरिया में गेहूं होता है, बहुत सिंपल बता रहा, गेहूं बो दिया। अब जरूरी है हमने 100 दाने गेहूं के डाले के 100 के 100 हो गए, हो सकता है किसी में उड़ने की क्षमता ही ना हो सकता है किसी को कीड़े ने खा लिया हो सकता है किसी को बर्ड चिड़िया ने खा लिया हो, नहीं हुआ हो। लेकिन जो पौधा उगा है वो तो बीज है ही, हर बीज पौधा नहीं बना, हर बीज पौधा नहीं बना, लेकिन हर पौधा बीज है। ऐसे यहाँ हर वर्टिब्रेट कॉर्डेट है, लेकिन हर कॉर्डेट जरूर नहीं है कि वर्टिब्रेट ही बने हो, हर कॉर्डेट जरूर नहीं है कि वर्टिब्रेट बने। और ऐसा एनिमल किंगडम में एग्जांपल्स होते हैं, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, प्रोटोकॉर्डेट्स का नाम सुना होगा, कभी आपने सुना प्रोटोकॉर्डेट्स का नाम? नहीं सुना है, आज सुन लेना, मुझे थोड़ी साइड पर किताब जरा ना और बता दी। ये जरा मार्कर को दूसरा आते तो उसको पढ़ाया दिया मार्कर तो नया लगा। बेटा देखो बातें मत करो भाई, बातें मत करो, आपको आइडिया दे रहा हूं। अभी क्लासिफिकेशन पूरा नहीं कर रहे हैं पर आगे जब बढ़ेंगे उसके लिए समझना जरूरी है। ये नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट अंतर भी बता देंगे। और भी दूसरा एक आते हैं ये प्रोटो कॉर्डेट जो मैंने अभी बात करी, ठीक है बच्चों? और फिर लास्ट में आता है कॉर्डेट्स, सी एच ओ आर डी ए टी एस, डी ए टी ई एस। पीछे तक क्लियर है बेटा? यहाँ दिखाई दे रहा सबको क्लियर? मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है पीछे? वेरी गुड। तो तीन ग्रुप में बांटा, नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट, प्रोटो कॉर्डेट और ये कॉर्डेट या इनको हम वर्टिब्रेट भी कह रहे हैं। अंतर इसमें होता है वो हम बता चुके हैं, वो भी समझाएंगे। तो नॉन कॉर्डेट उन्हें कहा गया है जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, लाइफ में कभी भी नहीं पाई जाती है। क्या आप लोगों के पास अभी नोटोकॉर्ड है? हम लोगों में नोटोकॉर्ड है अभी नहीं है, अभी वर्टिब्रा कॉलम है। लेकिन ये तो हम लोगों में नोटोकॉर्ड अभी नहीं है, एट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन क्या होता है लाइफ में, देखो भाई अगर आप लोग कुछ बच्चे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो मजबूरी तो उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय लेक्चर फॉर ऑल स्टूडेंट्स व्हिच आर एंगेज्ड हियर सीरियसली, यू पीपल
should have a clear cut idea. If you are not interested in the listening my lectures, then go out. Okay? और वो जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ, he or she has understand clearly. Am I right? तो इसलिए इसमें कोई भी समझ ना हो. जिसको नहीं समझ में आता है पूछ लो, बट डोंट डिस्टर्बेंस, क्रिएट डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस. ठीक है बेटा? तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी नॉन कोऑर्डिनेट्स की, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है. ऐसे एनिमल होते हैं प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक. आपने फाइलम पढ़े होंगे ना, बीच बीच में या तो किसी बच्चे के सीक्वेंस से याद होंगे, किसी के याद नहीं होंगे. बहरहाल कोई बात नहीं, आएंगे. पहला प्रोटोजोआ सबको याद आ रहा होगा, शायद प्रोटोजोआ तुम लोगों के सिलेबस में भी नहीं है, थोड़ी तरह से है. पहले नंबर पे आता है प्रोटोजोआ, दूसरे नंबर पे आता है पॉलीफेरा, वेरी गुड. तीसरे नंबर पे आता है सिलेंट्रा, फिर आता है टीनोफोरा, फिर आता है एलिमेंटी, फिर आता है एस्केलेमेंटी, फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मा. वेरी गुड. ये सारे जो हमने बताए सीक्वेंस में बताए, ये सब नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन हमने जो बात करी आप लोगों ने जो बताया बिल्कुल करेक्ट एकदम सीक्वेंस में बताया. फाइलोजेनेटिकली इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जॉइनर सीक्वेंस है. इसके बाद जो बात आई यहाँ पे, ये प्रोटोकोर्डेट क्या होते हैं, इनका तो पता चल गया, इनको नॉन कोऑर्डिनेट या इनवर्टिब्रेट कह सकते हैं, जो अभी हमने सारे बताए. लेकिन ये प्रोटोकोर्डेट कौन से होते हैं? सम एनिमल्स, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड्स पूरी लाइफ ही रहती है, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ ही रहती है, वो नोटोकॉर्ड कभी वर्टिब्रा कॉलम में नहीं बदलती. और ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स. इसके तीन एग्जांपल हैं, हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और न्यूरोकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा में आपने नाम सुना होगा बेलेनोग्लोसस का. Yes, sir. सुना है? Yes, sir. हेमिकॉर्डेटा में आता है बेलेनोग्लोसस. न्यूरोकॉर्डेटा में आता है हर्टमानिया. सिफेलोकॉर्डेटा में आता है मिक्सिम, मिक्सिम या ब्रिंकियोस्टोमा. कुछ स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही है? तीन बताए मैंने प्रोटोकॉर्डेट्स में, कौन कौन से बताओ. पहला हेमिकॉर्डेटा बोलो. उसका एग्जांपल है बेलेनोग्लोसस. दूसरा यूरोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा में जो एग्जांपल है दैट इज हर्टमानिया. मैराइन एनिमल होता है, मैराइन मतलब समुद्र में पाया जाता है. थर्ड वन इज, दोनों ही बेलेनोग्लोसस भी समुद्र में पाया जाता है. थर्ड वन इज वार. तीसरा कौन सा होगा बेटा? सिफेलोकॉर्डेटा. इसका जो एक मेन एग्जांपल है, सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, दैट इज ब्रेंकियोस्टोमा या मिक्सिंग बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? ब्रेंकियोस्टोमा. ठीक है? तो तीन तीन को कौन कौन से बताए मैंने? बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप समझ रहे हो. अब इसके बाद यहाँ ये प्रोटोकॉर्डेट्स हो गए, इनके अंदर क्या है, कभी वर्टिब्रा कॉलम नहीं बनती, इसीलिए हम इनको प्रोटोकॉर्डेट्स बोल देते हैं, नोटोकॉर्ड ही रहती है. इसके बाद आते हैं हायर कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स. ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड बदल जाती है, किसके अंदर? वर्टिब्रा कॉलम के अंदर. वर्टिब्रा कॉलम के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स, या तो हायर कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स. ऐसे एनिमल कौन से होते हैं? बिल्कुल हम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ते हुए क्रम में बात करेंगे. बढ़ते हुए क्रम क्या है? पहले सिंपल एनिमल, फिर उससे और कॉम्प्लेक्स, फिर और कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स, ऐसे करते हैं. तो पहला जो एनिमल होता है, पहला जो फाइलम इसमें आता है, वो होता है फिश. पहला कौन सा होता है? फिश. कहाँ पाई जाती है फिश? वाटर में. ऑल आर एक्वेटिक. कोई भी फिश बिना वाटर के नहीं रह सकती. ठीक. इसके बाद आता है फिश के बाद जो अगला है एम्फीबिया. अब इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट ये हो गया एम्फीबिया में. एम्फीबिया के अंदर क्षमता होती है कि वो दोनों जगह रह सकता है. एम्फी का मतलब होता है बोथ. अब बोथ मतलब एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, यानी पानी में भी रह सकता है और वो कहाँ भी रह सकता है? टेरेस्ट्रियल, लैंड पे भी रह सकता है. पानी में भी रेस्पिरेशन कर सकता है और वो लैंड पे भी रेस्पिरेशन कर सकता है. ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई एग्जाम्पल बताओ एम्फीबिया का.
throw. 4 going. 4 4 round. Very good. देखो ये जो मैंने पूछा है ना, आपने यहाँ हीट में जो मेजर इनका फोकस होता है, टारगेट होता है, वो कॉन्सेप्चुअल होता है, एकदम फैक्चुअल। आगे आगे की कॉम्पिटिशन को आप देखोगे उसमें फैक्चुअल नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत एनालिटिकल होगा। आपके यहाँ तो ये है कि ये वाला एनिमल क्या ये इस फाइलम को बिलोंग करता है, इसके अंदर ये सिस्टम पाया जाता है, तो ये फैक्चुअल चीज है। तो आपको इसी तरह जैसे मैंने एग्जाम पर पूछे, आपको यही याद करना है कि ये एनिमल किस फाइलम को बिलोंग करता है और ये इसका पिक्यूलर करेक्टर है, ये इसमें पाया जाता है, यही चीज पे आपको हिट करना है, समझ रहे ना। जूलॉजी या बायोलॉजी जो भी प्लांट में भी है, प्लांट में भी यही ये सिस्टम लागू होता है। आपको फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। आप अगर पुराने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे उसमें यही सब होता है कि जो फैक्चुअल ज्यादा है उस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। एम्फीबिया के बाद कौन सा आएगा? फिर आएगा बर्ड, फिर आएगा मैमल्स। अब मैमल्स आया लास्ट में, क्यों आया लास्ट में मैमल्स भाई? सबसे हाँ मैमल्स इसलिए आया क्योंकि मैमल्स सबसे इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैमल्स जो होते हैं दे आर हाईली इवोल्व, दे आर हाईली इवोल्व मतलब इनका विकास सर्वाधिक हुआ है, और उसके भी जो सिस्टम्स होते हैं इनके अंदर एनिमल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट सिस्टम पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? भाई पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, जिसको एक्सक्रीटिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तमाम सिस्टम्स हैं, इनका भी इवोल्यूशन हुआ है। अब इसमें इवोल्यूशन जो हुआ है सबसे सर्वोच्च पे कौन सा सिस्टम आता है? अब ये सवाल है आप लोगों के लिए और ये कई बार पूछा जा चुका है, कौन सा सिस्टम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वोच्च स्तर पे आता है? वो होता है नर्वस सिस्टम। कौन सा होता है? नर्वस सिस्टम। और ये बायोलॉजी में या ये जूलॉजी में एक नियम होता है, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है या जो सिस्टम सबसे ज्यादा इवोल्व हो जाता है उसके अंदर रीजनरेशन की पावर उतनी ही कम हो जाती है, उसके अंदर उतनी ही रीजनरेशन की पावर। रीजनरेशन समझते हो? बहुत अच्छे से जानते हो, किसी चीज को कट कर दें तो वो दोबारा से ग्रो हो जाती है। सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? प्लांट से पाई जाती है। अगर आप एक ब्रांच को काटो तो दोबारा हो जाती है, लेकिन एनिमल्स में भी पाई जाती है। इनके कंपेयर सिटुकली में और किसमें? और किसमें? हाँ यही पे रुक गए ना आप लोग, देखिए यही गलती होती है। हमने जाना सिटुकली में पाई जाती है, हमने जाना प्लेन एरिया में पाई जाती है। हम बात कर रहे हैं प्लेनेरिया की क्योंकि प्लेनेरिया या ड्यूरेशिया उसमें हाईएस्ट कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है रिजर्वेशन की, लेकिन उसके नीचे वालों में भी तो देखो आप, कि आपने सोचा तो आपसे पूछे पॉलीफेरा में पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है, बहुत पाई जाती है उसमें भी। क्या सिलेंड्रेट में पाई जाती है? पाई जाती है। हाइड्रा में आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में भी या जो कर रहे होंगे इंटरमीडिएट, अब्राहम क्रेमले ने 10 हेडेड उसको कट कर करके उसके ऊपर से काट के 10 हेडेड हाइड्रा बनाया, 10 सिर वाला, यानी बार बार उसको काटा फिर ग्रो होने दिया, फिर काटा फिर ग्रो होने दिया, तो इस प्रकार कितने हेड उसके अंदर डेवलप किए उन्होंने? 10। तो ये किससे संभव हो पाया? केवल और केवल रीजनरेशन से। तो रीजनरेशन की क्षमता को अगर देखें तो सिंपलेक्स के लोवेस्ट लेवल से ऊपर की तरफ ये घटती जाती है, जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे घटती जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये कि लोअर एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स हैं, ये हाईएस्ट एनिमल्स हैं, ठीक है। जैसे इसमें भी आप अभी हम बात कर रहे थे फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एरियोसिया बर्ड्स और मैमल्स, और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था भाई? प्रोटोजोआ। ये शायद सिलेबस में आपके घट गया है, नहीं है, पॉलीफेरा पे आप फोकस रखते हैं, पॉलीफेरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक आते हैं, इनमें ज्यादा होगी, इसीलिए प्रोटोजोन्स में भी कई बार देखा जाता है, प्रोटोजोन्स में अमीबा को इमोर्टल माना जाता है, अमीबा को इमोर्टल माना जाता है क्योंकि वहाँ उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है। हेलो, इसको साफ करने के लिए किसी को
ये तो वैसे मिट जाएगा, वो परमानेंट माल है, इसलिए इसे इस्तेमाल करा मैंने, बाकी ना छोड़ता हूँ, ये तो वैसे छोड़ता है, छोड़ता है। तो इसीलिए क्योंकि रिजर्वेशन की क्षमता ज्यादा होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसीलिए जो प्रोटोजोम्स होते हैं, अमीबा वगैरह होते हैं, उनको क्या माना जाता है, इमोर्टल, यानी वो कभी अमर कह सकते हैं, उसको कभी मरता नहीं है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो आगे दूसरे में डिवाइड हो जाता है, वो खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन आगे अगर चलेंगे मैमल्स में आएंगे तो आप देखेंगे कि क्या, जैसे ये जैसे रेप्टाइल की बात है कि जो ये चिपकली होती है, हेमिडेक्टाइलस होती है, उसके अंदर भी रिजर्वेशन की पावर पाई जाती है। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो नोट भी कर लेना आप लोग, खाली देखने के लिए नहीं आए हो, यहाँ पे भी देखना है, जो पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है वो नोट कर लिया करो। तो हेमिडेक्टाइलस तो इसमें एक एक्सेप्शन है, लेकिन अगर मैमल्स की हम बात करें, मैमल्स में बहुत कम क्षमता होती है रिजर्वेशन की, और मैमल्स के भी एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल पर समझते हो क्या होता है, हमारी स्किन जो बनी होती है, एपिथेलियल से बनी होती है। आपने देखा अगर चोट लग जाती है तो स्किन रिकवर हो जाती है, एक लेडी तक चोट लगे नीचे तक ना जाए, इसके ऊपर के जो टिश्यू है वो आप दोबारा से क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, हमारी चोट ठीक हो जाती है, नहीं हो जाती है। ये चोट या बाउंड का टई होना क्या है, ये रिजर्वेशन की पावर ही है, और एपिथेलियल टिश्यू में ये रिजर्वेशन पावर पाई जाती है ज्यादा, लेकिन वहीं जो नर्वस टिश्यू होता है, कौन सा भाई, नर्वस, उसमें सबसे कम पाई जाती है। नर्वस टिश्यू से क्या बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है, नर्वस सिस्टम में के जो पार्ट उनके नाम बताओ कोई, CNS और PNS। हाँ, CNS और PNS। अब CNS में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड। तो आप ये देखोगे कभी भी अगर किसी के कहते हैं कि दिमाग में चोट लग गई, वो जल्दी से ठीक नहीं होगी, कहते हैं ना, वो क्यों होती है ऐसी बात, दिमाग में चोट नहीं लगनी चाहिए, ब्रेन में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, वो इसीलिए होता है क्योंकि जो ये नर्वस टिश्यू, ब्रेन किसका बना हुआ था, नर्वस टिश्यू का, तो जो ब्रेन में अगर इस तरह की कभी कभी वो चोट लग जाती है, वो डैमेज होता है, तो वहाँ रिकवरी की क्षमता बहुत कम होती है कि वो ठीक हो जाए, बहुत अगर होती है तो बहुत स्लो, वेरी स्लो होती है। और वहीं इसके कंपेरिजन में, नर्वस टिश्यू के कंपेरिजन में एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसके अंदर दोबारा से ग्रो करने की, रिजनरेट करने की क्षमता इससे कहीं ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है, जो मैं बता समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ये परमानेंट है, थोड़ा बढ़ते हैं इसमें, देखेंगे एनिमल किंगडम को क्लासिफिकेशन के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके आधार पर हम इनको आगे एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, या दूसरे आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ पिक्यूलियर करेक्टर्स होते हैं, कुछ मेन या इंपोर्टेंट करेक्टर्स होते हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे नंबर वन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सब बच्चे इसके बारे में जरूर जानते होंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो बॉडी है किसी भी एनिमल की उसका कंपोजिशन कैसा है,
उसका कंपोजिशन कैसा है। ये मेनली दो तरह का होता है, एक तो सेलुलर और दूसरा टिश्यू का। और टिश्यू से ही फिर क्या बनते हैं, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। दो पार्ट में हम इसको मेजरली डिवाइड कर सकते हैं, सेल लेवल और टिश्यू लेवल। और आगे जब बढ़ेंगे तो टिश्यू लेवल से आगे फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। अगर आप प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ में सारा फंक्शन सारा काम एक ही सेल में हो जाता है। कैसे हो जाता है, एक ही सेल के द्वारा सारे काम कर लिए जाते हैं। क्योंकि वहां केवल क्या होता है, वो जो एनिमल होता है जैसे प्रोटोजोआ में अमीबा हुआ या पैरामीशियम हुआ, यूक्रिना हुआ, सिंगल सेल एनिमल है वो, आगे सेल में डिवाइड नहीं होती है। एक जो सेल है वही एनिमल है और उसी एनिमल के द्वारा, उसी एक सेल के द्वारा रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन सभी एक सेल के द्वारा हो जाता है। लेकिन आगे अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे आप ये क्या आप लोगों के लिए संभव है कि आप खुद ही सारे काम कर लो अपने, नहीं पॉसिबल है। इसीलिए क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर नाम होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ उसको क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कार्य का बांटना, डिवीजन ऑफ लेबर होगा मतलब कार्य का वितरण करना, अलग अलग सेल अलग अलग कार्य करे। जैसे हम भी हैं घर में, आप लोग हो, आपके पेरेंट्स आपके लिए सारे काम करेंगे, कोई कुछ करता है घर में, कोई कुछ करता है, कोई किसी का काम कुकिंग का है, किसी का काम क्लीनिंग का है, आपका काम स्टडी का है। तो देयर इज व्हाट डिवीजन ऑफ लेबर, काम बटे हुए हैं, बटे हुए कि नहीं बटे हुए। ऐसे यहाँ पे क्या होता है कि जब सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल का मतलब समझ लेना, ये आप प्रोटोजोआ से कंफ्यूज मत होना। ये अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेलुलर लेवल का एक एग्जांपल दो, या एक क्वेश्चन ही आ जाए कि आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा, आप क्या कर दो कि उसमें प्रोटोजोआ का कोई एनिमल दिया हो, अमीबा या पैरामीशियम, तो वो गलत होगा। उसके अंदर क्या होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा पोरीफेरा, कोई भी एनिमल अगर दिया है या पोरीफेरा दिया है तो वो होगा। क्योंकि प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स होते हैं उनको माना जाता है या तो वो ए सेलुलर है, सेल ही नहीं है, अगर एक उसको एनिमल मानते हैं तो डिसेलुलर हुआ, और या फिर वो यूनिसेलुलर है तो वहां तो सेलुलर नहीं हुआ। सेलुलर, ये सेलुलर जो लिखा गया है एक्चुअली इसका मतलब होना चाहिए मल्टी सेलुलर। क्या होना चाहिए, मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ये सेलुलर का जो एग्जाम्पल है वो होता है पॉलीफेरा में। इसे फायदा बच्चों पॉलीफेरा एनिमल्स में, पॉलीफेरा में कौन आते हैं, पॉलीफेरा में इस सारे स्पंजेस आते हैं। कुछ स्पंजेस मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, कुछ स्पंजेस फ्रेश वाटर में पाए, ठीक है। दूसरा वाला जो होता है ये होता है टिश्यू लेवल का। अब टिश्यू से क्या मतलब हुआ, टिश्यू से मतलब ये हुआ, टिश्यू का मीनिंग ये हुआ, जब एक जैसी सेल एक जैसी में मतलब हुआ स्ट्रक्चर में, एक जैसी सेल एक ही जगह पे एक ही टाइम में इकट्ठी होकर एक जैसा काम करती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। या इसको डिफाइन करें, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सेम एंड लाइन बाई एनी कवरिंग और एनी मेम्ब्रेन, यानी वो किसी मेम्ब्रेन से भी जो है ना कवर होती है, तो वो क्या बनाती है फिर वो, उनको हम क्या बोलते हैं, जब एक पॉपुलेशन बन जाती है उसको हम बोलते हैं टिश्यू, है ना। एक जैसे अभी हम यहाँ से कट कर लें तो यहाँ पे एक सेल थोड़ी है एपिथेलियम में, अगर हम अपनी यहाँ से स्किन कट करके निकालें तो क्या होगा, ये अब यहाँ सेल नहीं बचे एपिथेलियम सेल, यहाँ पे टिश्यू बन गया। यहाँ पे एपिथेलियम सेल बहुत सारी एक जगह इकट्ठी होकर क्या कर रही है, वो हमारी एक बाह्य आवरण बना रही है, स्किन का निर्माण कर रही है एपिथेलियम सेल, एपिथेलियल टिश्यू, है ना। और एपिथेलियम ये अलग अलग चीज है, एपिथेलियल सेल एक यूनिट, टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू इनसे मिलके बना, और बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यू मिलके उन्होंने और कई सारी अलग अलग तरह की लेयर मिलकर क्या बना रही है, हमारी इंटैक्ट स्किन बना रही है, हमारी इंटैक्ट स्किन बना रही है। और सभी एनिमल्स में लागू होता है, क्या बना रही है, स्किन बना रही है।
तो आई थिंक सबको टिश्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो बच्चों को ऑलरेडी है कि चेहरे लग रहा है कि वो जानते हैं तो चेहरे लग रहा है, तो टिश्यू का समझ में आ गया। सिलेंट्रेट्स में जो सिलेंट्रेट एनिमल होते हैं निडेलिया में जिनको बोल देते हैं, जिसके अंदर हाइड्रा ओरेलिया ओरेलिया फाइसिलिया सब आते हैं, उनके अंदर ये वाला ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जिसको एक और सिलेंड्रेट का एक और नाम होता है बच्चों निडेरिया। क्या बोलते हैं इसको? सी एन आई डी ए आर आई ए, इसमें सी साइलेंट रहता है बोलने में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सी निडेरिया कहते हैं इसको, निडेरिया होता है ना, एक आध बच्चा ऐसा भी होगा वो तो पता ही नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं निडेरिया। वाई निडेरिया? क्योंकि इसके अंदर हाँ क्या पाई जाती है? नीडो नीडो ग्लास स्टिंगिंग सेल। क्या पाई जाती है? स्टिंगिंग सेल। और वो सेल कैसी होती हैं? दे आर फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, मतलब अटैक करने के लिए भी और अपना बचाव के लिए, दोनों अलग बातें हैं ना, दोनों अलग चीजें हैं। एक को तो क्या है, वो किसी प्रे के ऊपर अटैक कर रहा है, शिकार के ऊपर, एक भी एक बार ये हो सकता है कोई दूसरा उससे बड़ा एनिमल उस पर अटैक कर रहा है खाने के लिए, तो अपना बचाव कर रहा है, उसी के आधार पर इसका नाम दिया गया है निडेरिया। तो सिलेंट ग्रेड में कैसा पाया जाता है? शिशु ग्रेड का। इसके आगे कौन सा होगा भाई? टीनोफोरा में भी यही होगा, ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या होगा कि एनिमल्स के अंदर कुछ ऑर्गन्स बनने लगते हैं। आप दो चार ऑर्गन के नाम बताओ अपने अंदर, जो हमारे अंदर हो, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ये क्या है? ये ऑर्गन है। और ये किसके पार्ट होते हैं? ये अलग अलग सिस्टम्स के पार्ट होते हैं। तो जिनके अंदर ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है उसको हम बोल देते हैं ऑर्गन लेवल, जिसमें ऑर्गन बने हैं, अभी सिस्टम नहीं बना है, अभी सिस्टम नहीं बना है। इसके बाद फिर हम चलते हैं ऑर्गन सिस्टम में। लेडी हेल्थ चीज बन जाता है ऑर्गन लेवल का। इसके बाद फिर हम चलेंगे ऑर्गन सिस्टम में। ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है कि कई सारे ऑर्गन मिलके, कई सारे ऑर्गन मिलके जब एक ही काम को करने लगते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सिस्टम बोल देते हैं। जैसे हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसमें कई सारे ऑर्गन होते कि नहीं होते हैं? भाई एलिमेंट्री कैनाल है, इसके बाद एसेसरी ऑर्गन लगते हैं, इसमें लीवर भी लगता है, पैंक्रियास भी है, गॉल ब्लैडर भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, टीथ है, टंग है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये सब मिलके क्या काम कर रहे हैं? डाइजेशन कर रहे हैं। परंतु इनके काम अलग अलग होते हैं, परंतु इनके जो माइनर रोल्स हैं, जो छोटे छोटे इनको रोल हैं, जो काम होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? सलाइवा सीक्रेट करना, उसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज होगा, उसके अंदर क्या होगा? लिक्विफिकेशन के लिए जो लिक्विड उसमें आएगा। दूसरा आगे लीवर का काम अलग है, पैंक्रियास का काम अलग है, इंसुलिन ग्लूकागॉन होमोसिस्टेटिन ये सारे हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो अलग अलग पार्ट का, अलग अलग ऑर्गन का जो माइनर रोल है, छोटा सा काम का हिस्सा है, वो दिया गया है। लेकिन सबके काम जुड़ के वो क्या कर रहे हैं? सबका काम तो क्या होगा? सभी का काम अल्टीमेटली हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना है कि नहीं? कोई सबको एक टास्क दे दिया, पूरा गोल, पूरा गोल है बड़ा, उसमें छोटे छोटे पार्ट के टास्क। तो सभी सिस्टम में यही एक मेथडोलॉजी यूज की गई है, सभी सिस्टम ऐसे ही काम करते हैं, चाहे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, सभी एजेंट्स में, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, सभी में यही होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स आर देयर, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं,
वो सिस्टमेटिकली जुड़े होते हैं और सब लोग सारे ऑर्गन मिलके अपना अपना काम करके एक मेजर टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम का इसके बाद के बाद एनीलिडा से लेके से लेके जितने भी आगे फोर डेट्स भी होंगे फिश एंड डीवीआर रेप्टाइल बर्ड ऑफ मेंबर जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं पांच बताए थे ना अभी, सभी में क्या होगा, सभी में ऑर्गन सिस्टम होता है। जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं सभी में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम, सभी में सिस्टम बन जाता है, ठीक है। अगर हम किसी एनिमल को सेंट्रल एक्सिस से
किसी भी डायरेक्शन में काटते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हम काटते हैं, तो जो कटने के बाद हाफ टू हाफ मिलेंगे, जो कटने के बाद टू हाफ मिलेंगे तो वो इक्वली होंगे। यहाँ पे हमें क्या, हमारे पास वो है कि क्या हमें रूल फॉलो करना है, ये रूल फॉलो करना है कि सेंट्रल एक्सिस से काटना है। एक लिमिटेशन दे दी, लिमिटेशन दे दी, क्या हमारे पास एक ही कंडीशन लगा दी है कि आपको भाई यहाँ से जान लीजिए कि भाई आपको बेगमपुर जाना है, ठीक, आपको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको बेगमपुर जाना है, लेकिन ये कहा जाए कि बेगमपुर इसी रोड से जाना है, ये इंस्ट्रक्शन है आपको, ये लिमिटेशन है। इसी प्रकार यहाँ भी एक बात है कि अगर हम इसको सेंट्रल एक्सिस से, इफ वी कट इट ऑन इट सेंट्रल एक्सिस एनीवेयर देन टू बोथ हाफ विल बी इक्वल। अगर हम इसको कहीं से भी का मतलब ये है कि यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, ऐसे काटे, ऐसे एनिमल हैं। अगर हमको सेंट्रल एक्सिस पे कहीं से भी काटे, जो कटने के बाद दो हाफ बनते हैं, वो कैसे होते हैं, इक्वल, बोथ विल बी इक्वल। ऐसी सिमेट्री जिन एनिमल में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। फॉर एग्जाम्पल है इसका बेस्ट क्या है, हाइड्रा, एक बच्चे ने बताया बस हाइड्रा। एक और एग्जाम्पल बताओ उसका, कोई कोई और बताओ एक एग्जाम्पल इसका, स्टार फिश। अब स्टार फिश में भी कंडीशन होती है, क्या स्टार फिश का लार्वा या स्टार फिश का अडल्ट, ये क्वेश्चन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जे आप जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो यू विल श्योरली डू दिस मिस्टेक, क्या जैसे ही आपको लिखा होगा वहां पे कि रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन दी, अब वहां पे क्या लिखा होगा कि मान लीजिए एनलिका दे दिया, एक अर्थवॉर्म दे दिया, एक आर्थ्रोपोड का एनिमल दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, ठीक है। हाइड्रा वहाँ एग्जाम्पल में नहीं दिया है क्योंकि हाइड्रा का तो पता है सब लोग लगा देंगे, लेकिन अगर वहां पे दे दिया कि स्टारफिश लार्वा, शायद ग्लोजी नेम होता है स्टारफिश लार्वा, तो यहाँ पे क्या स्टारफिश लार्वा करेक्ट है, नहीं। जैसे ही आप स्टारफिश देखोगे यू आर ओवर कॉन्फिडेंटली आप टिक कर लोगे, आपको दूसरी चीज देखेंगी देखोगे नहीं, स्टारफिश के लार्वा में नहीं होती, स्टारफिश के अडल्ट में होती है। स्टारफिश के अडल्ट को अगर हम सेंट्रल एक्सिस पे काटते हैं तब उसमें ये सिमेट्री पाई जाती है, ना कि उसके लार्वा में। ये बातें, ये जो जो हायर लेवल ये इस तरह के नीट के एग्जाम्स होंगे कॉम्पिटिशन के, वो ये नहीं पूछते कि आपको ये है, वो ये देखना चाहते हैं कि हाउ डीप यू हैड स्टडी, कितना डीप आपने पढ़ा है। आपने स्टारफिश देखते ही तो उसमें 100 में से 90 बच्चे तुरंत लगा देंगे स्टारफिश, उन्हें हमें नहीं पढ़ना, बोले हमने स्टारफिश देख लिया और सवाल हमने आंसर लगा दिया, लेकिन नहीं ऐसा नहीं करना, वहाँ देखना आपको आगे भी क्या लिखा हुआ आगे, ठीक है। अडल्ट में भी लार्वा है। अब बायलेटर का बताओ बच्चों, बायलेटर के बारे में जानकारी है, सेंट्रल एक्सिस से काटते हैं तो जो दो हाफ हमें मिल रहे हैं कटने के बाद वो इक्वल होंगे और उनको वो मिरर इमेज होंगे, वो मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज का मतलब इफ वी पुट अवर राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, अगर हम सीधा हाथ मिरर के सामने लाएं तो राइट आर्म को लेफ्ट, ठीक। और ये जो शेप बनती है ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री, एक तरह से कैसी होती है, सुपर इम्पोजिबल और कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसी जो सिमेट्री पाई जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, बायलेटरल। और ये एटी हेल्पिंग ट्रीज से लेके आगे कोर्डेट तक एनलिडा में हुआ था और सभी में पाई जाती है। तो
इसमें हर एनिमल का ये समझना, हर एनिमल आप पढ़ोगे, हर फाइलम आप पढ़ोगे कि भाई इसमें सिमेट्री कौन से नहीं, आप यहाँ से जान लो कि अगर प्लेटिहेलमिंथीस से लेके सारे कोर्डेट, चाहे फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, प्लेटिहेलमिंथीस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, उसका कोई भी एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, सभी में सिमेट्री कैसी होगी? यहाँ से डायग्राम से भी समझ लो, ये मान लीजिए कोई एक वर्टेब्रेट एनिमल है, ऐसे एक मैं बना रहा हूं, ठीक है, कोई भी वर्टेब्रेट इस तरह की एक शेप होगी, अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे कट करते हैं इस तरह से, ठीक, ये राइट हाफ, ये लेफ्ट हाफ, कट करने के बाद दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना। ऐसी सिमेट्री जब पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसके एग्जांपल क्या है, कहां से लेके कहां तक पाए जाते हैं ये? ठीक है, अब नेक्स्ट इसी उसमें है सिलोम। सिलोम के बारे में जानकारी है बच्चों? क्या होता है सिलोम? बहुत बढ़िया, कौन सी कैविटी कहां पाई जाती है? ये बॉडी कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, बॉडी कैविटी को ही हम सिलोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिलोम। लेकिन ये होती कहाँ है एग्जैक्टली, ये बताओ, क्या काम होता है इसका? देखो आप ये समझो, ये कोई एक एनिमल का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन काट लिया है, हमारे अंदर बाहर की तरफ जो लाइनिंग है ये, इसको हम बोलते हैं बॉडी बोन। क्या बोलते हैं बच्चों? बॉडी बोन। और अंदर हमारे एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी भी एक लाइनिंग है, तो उसको बोल देते हैं हम गट बोन। क्या बोल देते हैं? ये वाला क्या हुआ? बॉडी बोन। और ये हुई गट वॉल या गट लाइनिंग, गट लाइनिंग। अब इनके बीच में एक कैविटी बनती है, इनके बीच में एक कैविटी बनती है, उसको हम बोल लेते हैं बॉडी कैविटी या सीलोम। अभी मैंने अभी दिखाऊंगा बना के, मैं आपको अभी यहाँ कैविटी नहीं है, अभी सिंपल लाइन आउटर फॉर्मेशन बनाई है, लाइनिंग बनाई है, तो उसको हम बोल देते हैं बॉडी कैविटी। अब ये क्यों बनती है, इसका लाभ क्या होता है, इसके बनने का भी कोई बताएगा बच्चा? बोलो। ये बॉडी कैविटी का सबसे पहला लाभ या बेनिफिट ये होता है चीलों का कि हमारे अंदर एक स्पेस डेवलप होता है जिसके अंदर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स रखे रहते हैं या सेफली फिट रहते हैं, एक चीज। दूसरा, ये जो बॉडी कैविटी है सिलोम बनती है, ये हमारे बॉडी के अंदर जिन एनिमल्स में पाई जाती है उन एनिमल्स की बॉडी के अंदर शोक, शोक मतलब झटका, किसी भी तरह का कोई अचानक से झटका लग जाए तो शोक को एब्जॉर्ब करती है। उनके ऐसे करने के लिए मूवेबल फिट करने के लिए जगह होती है, वो एक्चुअली कैविटी अलग तरह की होती है, डीनोड कैविटी, ये कैविटी, वो कैविटी, वर्टिब्रा को नाम से। यहाँ जो कैविटी है वो अलग है, इसको समझ लो ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है। तो पहले इसे समझने के लिए बॉडी लेयर को समझना पड़ेगा। एनिमल्स में
बॉडी लेयर पाई जाती है वो तीन तरह की होती है, कौन कौन सी भाई? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंस क्लास है। ये कब बनती है एनिमल्स के अंदर? ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के किस स्टेज पे बनती है बच्चों? जब हम एम्ब्रियो बन रहा होता है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा होता है बर्थ से पहले, यही कंफ्यूजन में सवाल गलत होता है, ये कॉन्सेप्ट ही सही होना चाहिए। देखो पहले स्टेज आती है मोरुला, फिर आती है बच्चों लास्टुला, फिर आती है फिर गैस्टुला। याद रखना सबसे लास्ट वाले पे ये बनता है। हाँ ऐसे सीक्वेंस याद करना, सीक्वेंस गड़बड़ा जाता है एम बी जी, ठीक है? एम बी जी से सीक्वेंस याद रहेगा, या और इसको बढ़ा के कहें माई बेस्ट गिफ्ट, या कुछ भी आप अपने तरीके से बना लेना, आप अपने तरीके से, क्योंकि क्या होता है अभी हम पढ़ रहे हैं अभी याद रहेगा, फिर सीक्वेंस हम भूल जाएंगे, यही होता है ना। एमबीजी मोरुला ब्लास्टुला गैस्टुला, और इसमें ये याद रखना सबसे लास्ट वाले स्टेज में ये जर्म लेयर्स बनती है। इन बॉडी लेयर्स को क्या बोलते हैं भाई? जर्म लेयर्स। जिनमें तीनों पाई जाती है, जिन एनिमल्स में तीनों पाई जाती है उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें दो पाई जाती है ये वाली नहीं होती है, एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है, उनको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्ट। तो ऐसे भी एनिमल होते हैं जिसमें दो पाई जाती है, कौन कौन सी? एक्टोडर्म और मीजोडर्म। यस नॉट मीजोडर्म, दैट इज एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीजोडर्म नहीं। मीजोडर्म क्यों नहीं पाई जाती है? ये कहां चली जाती है भाई? और यहां समझा सकते, ये देखो जब बोल रहे हैं बच्चों ध्यान दो, ये वाली जो बाहर की लेयर है, बस थोड़ी देर और पेशेंस भी सुन लो, थोड़ी देर का काम हो रहा है। ये होती है एक्टोडर्म। क्या है बच्चे? एक्टोडर्म। ये क्या हुई? गट लाइनिंग, ठीक है? ये गट केविटी के लाइनिंग है। अब इस पे क्या बनती है यहाँ पे? ये एंडोडर्म, ये हुई एंडोडर्म। अब ये भी हो सकता है कि इसके अंदर बीच में यहाँ पे एक लेयर और बनती है, उसको हम बोल देते हैं क्या? दैट इज नोन एज द मीजोडर्म। अब ये बताओ इसमें देख के डायग्राम में क्या कहीं इसको केविटी, ये केविटी नहीं है, इसमें कहीं केविटी दिखाई दे रही है आपको? नहीं, इसमें केविटी नहीं है। तो जो ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें तीनों लेयर होती है, कौन कौन सी लेयर भाई? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ऐसे एनिमल को हम बोल देते हैं क्या? एसिलोमेट। क्या बोलते हैं? एसिलोमेट एनिमल्स, क्योंकि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और ऐसे होते हैं सिलेंट्रेट। ऐसे एनिमल्स पाए होते हैं कौन से बच्चों? सिलेंट्रेट। इसके अंदर कोई बीच में बॉडी कैविटी नहीं बनी है, तीनों लेयर है। ये होंगे एसिलोमेट। बता दो इसको, जो आज नहीं आपका चला है ना ये पीपीटी, अगले टर्म पे हम उसको तेजी से रिवाइज करके आगे बढ़ जाएंगे। आज इसको ऐसे समझ लो, ठीक है? उसको हम मेज वेल पे ले आएंगे, क्योंकि शायद हमारा पेन ड्राइव में कोई बुला सके, पेन ड्राइव काम नहीं कर रहा है। बिटा दू बिटा दू बच्चों, साथ के साथ ड्रॉ करो, अगर ड्रॉ करना है तो। ये क्या बना यहाँ पे? देखो ये वही एक्टोडर्म है,
ये वाला वही हैंड लोडर है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलोम या बॉडी कैविटी। क्या इसमें कुछ मिसिंग है? यस, इसमें एक चीज मिसिंग है। ये ट्रू सीलोम की कहानी होती है और सिलो सीलोम की बात होती है। ट्रू सीलोम कब बोलते हैं? जब इस सीलोम की लाइनिंग, इस बॉडी कैविटी की लाइनिंग मीजोडर्मल सेल से होती है। इससे होती है मीजोडर्मल सेल से होती है। ये एक मैं बड़ा नाम छोटा वाला लेयर, ये वाली अंतर के लिए स्क्रीन जैसा बना दिया है मैंने, देखने में दोनों तरफ से ये लाइनिंग होगी, ये वाली देखो जैसे ज्यादा सर्कुलेटेड सी है ना स्प्रिंग वाली, ये वाली। तो ये जो लेयर है, ये दोनों लेयर ही हम क्या होती है? मीजोडर्म। तो आपको ये कहेंगे एक बार टिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में, अभी मैंने डायग्राम बनाया पहले कि टिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में है ही नहीं, लेकिन नहीं, दोनों तक, यहाँ एंडोडर्म, यहाँ एक्टोडर्म, यहाँ पे मीजोडर्म, फिर मीजोडर्म, और इसके बीच में ये कैविटी बनी। इसको क्या बोला हम, क्या बोला जाएगा इसको? सीलोम। और सीलोम या ट्रू सीलोमेट एनिमल तभी कहे जाते हैं जब उनकी लाइनिंग सीलोम के अंदर से दोनों तरफ से किसके हो, मीजोडर्म से। और ऐसी सीलोम को बोलते हैं साइजोसीलिक सीलोम। क्या बोलते हैं? साइजोसीलिक सीलोम या ट्रू सीलोम। क्या बोलते हैं? साइजोसीलिक सीलोम या ट्रू सीलोम बोल देते हैं। और ऐसे एनिमल होते हैं जो ट्रू सीलोमेट होते हैं, प्लेटी हेलमिंथीस से लेके प्लेटी हेलमिंथीस, जिसके अंदर क्या आता है? फ्लेट फेसियोला एपिएट्रिका और टीनिया आता है, ठीक है, डोजेसिया आता है, यहां से लेके कहां तक जाता है? ये सभी कॉर्डेट्स में, सभी कॉर्डेट्स में कैसी पाई जाती है? ट्रू सीलोम। एनिमल किंगडम में एक इसका एक्सेप्शन भी है, वो ना तो एसीलोमेट होते हैं ना ही ट्रू सीलोमेट होते हैं। क्या होते हैं? स्यूडो सीलोमेट या फाल्स सीलोम पाई जाती है। क्या सीलोम पाई जाती है? फाल्स सीलोम या स्यूडो सीलोमेट। और ऐसा केवल एक ही फाइलम में होता है, और वो होता है एस्केलिमन ट्रीज, जिनका दूसरा नाम भी होता है निमेटोड, इनको राउंड वर्म भी कहते हैं, जैसे एस्केलिस, एंटेरोबियम वर्मिकुलेरिस, एंसाइलोस्टोमा ड्यूमिनुएल, इकाइनोकोक्कस ग्लोसस, बहुत सारे एनिमल हैं। आपको यही याद करना है कि इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है। एस्केलिस सुना है नाम आपने? एस्केलिस सुना है ना? एंसाइलोस्टोमा ड्यूमिनुएल नाम सुना है? हुकवर्म बोलते हैं जिसको, पैर से गुजर जाता है वो, हाँ, नंगे पैर। अगर आप खेत में चले जाओ आप ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप यू आर यू हैड विजिटेड बेयर फुट ए फील्ड एंड यू गॉट एन इन्फेक्शन, योर फीट आर रेडिश एंड स्वॉलन एंड इचिंग, व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन यू गेट, तो उसमें क्या है कि वो एंसाइलोस्टोमा होती है पैर। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके पैर में क्या होता है कि इचिंग हो रही है, रेड हो गया है, थोड़ा सा स्वलो भी हो गया है, नंगे पैर आप गए, क्योंकि जो फील्ड में क्या होता है जहाँ पे फिकल मैटर प्रेजेंट होता है ना, तो ओपन एरिया में वहाँ पे क्या होता है कि इसकी इन्फेक्शन हो सकता है एंसाइलोस्टोमा का, वो पैर से होता है। तो ये जो एनिमल होते हैं, ये एस्केलिमेंटीज वगैरह, एस्केलिमेंटीज के अंदर जो आते हैं एस्केलिस वगैरह, इनमें स्यूडो सीलोम पाई जाती है। कैसी होती है वो? वो सीलोम तो होती है इसके अंदर, लेकिन ट्रू सीलोम नहीं होती है वो। ये देखो, ये एक्टोडर्म, ठीक है भाई, ये एंडोडर्म। अगर ये सीलोम है ट्रू तो वो ऐसी होगी, यहाँ पे भी मीजोडर्म एक है, यहाँ पे भी मीजोडर्म है, इनके बीच में ये लेयर बनती है, ये ट्रू सीलोम है जी। आप प्लेटी एलिमेंटीज तो एसीलोमेट है, मैं एस्केलिमेंटीज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया बेटा, मैंने गलत लिख दिया, वेरी गुड, मैं बोल चुरादा लिख गलत दिया ये मैंने, वेरी गुड। ये एस्केलिमेंटीज के बाद से होता है एनेलिडा से, ठीक है, प्लेटी है एस्केलिमेंटीज से नीचे प्लेटी एलिमेंटीज आता है। अगर कहीं गलत हो जाता है, एक बार क्या होता है कि हम सोच कुछ रहे होते, बोल कुछ रहे होते, लिख कुछ देते हैं,
ठीक है, तो ध्यान से ध्यान, इसका मतलब ये है कि इसका ध्यान नहीं है, ठीक है, करेक्ट कर देना। एनी लीडर से स्टार्ट होता है, एनी लीडर से, ठीक है, एनी लीडर आठ मोड़ा से लेके फोर डेज का। लेकिन एस के लिमिट केस में क्या होता है, बाद में बंदर हो इस तरह से क्या बन जाता है बेटा, पाउजेस बन जाते हैं। वेरी गुड, और ये पाउजेस किस लिए के होते हैं बच्चों? हाँ बहुत बढ़िया, ये मीजोडर्म के पाउच बनते हैं, या यूं कहें कि ये थोड़ा सा ये रिड्यूस हो जाती है, सीलोम इज रिड्यूस्ड इन पाउचेस। सीलोम किस में आ जाती है, एक पाउच फॉर्मेशन में बन जाती है, और ये किस में होता है, एक ही एग्जांपल है इसका, एस के लिए इसको निमेटोड्स भी बोल देते हैं या राउंड वर्म भी बोलते हैं। अब ये बताओ कि इन एनिमल्स को राउंड वर्म क्यों बोलते हैं, एस्केप्स वगैरह को, जबकि देखने में तो ये आपने देखा होगा ऐसा लगता है स्पिंडल शेप होता है कि नहीं है बेटा, ये ऐसा होता है, फीमेल एपियरेंस में ऐसा लगता है, मेल एपियरेंस में ऐसा लगता है, तो इसको फिर राउंड वर्म क्यों बोलते हैं, देखने में तो स्पिंडल शेप लगते हैं, इनका टीएस काटे तो राउंड दिखेगा, एग्जैक्ट बिल्कुल सही बात। अगर हम इनका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं इस तरह, ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनल नहीं, तो जब ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखेंगे तो वो सर्कुलर यानी राउंड दिखता है, एक सर्किल के जैसा दिखता है, और इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, राउंड वर्म बोल देते हैं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया, सिलोम समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आप इसमें आता है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म को डायग्राम बनाने के लिए ये समझ लो, बच्चे जानते भी होंगे मेटामेरिज्म का होता है बॉडी का सेगमेंट्स में बटना, क्या होता है बॉडी का सेगमेंट्स में बटे होना, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है उनको हम बोलते हैं मेटामेरिक एनिमल्स, और एक सेगमेंट का नाम होता है मेटामियर, M-E-P-A-M-E-R-E, क्या होता है मेटामियर, एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, मेटामियर। और ऐसा एनिमल कौन होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म, एनिलर एनिलर ग्रुप के सारे एनिमल्स, अर्थवॉर्म है, लीच है, ये मेटामेरिक होते हैं, है ना। क्या इसके अलावा और भी एनिमल है जिनके अंदर ये पाया जाता है, और ये मेटामेरिज्म या बॉडी का जो पार्टीशन है वो केवल ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नली हो, ऊपर ऊपर हो, वो नीचे भी अंदर भी होना चाहिए, वो एक्सटर्नल भी है और इंटरनल अंदर तक भी है, बायोकेमिकल लेवल पे, उसमें एनाटॉमिकल लेवल पे भी है, समझ रहे हो ना। अब आप जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ से देखें, यहाँ सेगमेंट सा दिखा, ये ट्रू सेगमेंट तो नहीं है, लेकिन वो इंटरनली भी हो, तो ये चीज इनमें एनिमल्स में जो एनिमल्स होते हैं पाई जाती है। इसके अलावा एक और चीज होती है कि अगर ये सेगमेंट्स में ना बटा हो तो रिपीटेशन ऑफ बॉडी के पार्ट्स, रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स हो, तो मुझे कोई एग्जांपल बताएगा कि किस एनिमल्स में, किन एनिमल में रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन होता है, रिपीटेशन का मतलब होता है एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, उसको रिपीटेशन बोलते हैं, एक चीज बार बार रिपीट हो रही है उसको रिपीटेशन बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल जैसे ये बताया आर्थ्रोपोडा में होता ही है। इसके अलावा क्या कॉर्डेट्स में भी पाया जाता है, यस, कौन सा ऑर्गन होता है, कौन सा पार्ट होता है, मान लीजिए हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, हम अपनी बात करें, क्या हम भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन या रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन हमारे अंदर होता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या हम मेटामेरिज्म शो करते हैं, क्या हमारे अंदर किसी ऑर्गन का रिपीटेशन पाया जाता है, तो आंसर विल बी यस, इट विल बी यस। कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल होता है हमारे अंदर वर्टिब्रा कोलम, वर्टिब्रा कोलम, जो वर्टिब्रा कोलम के अंदर वर्टिब्री होती हैं, जो वर्टिब्रा कोलम के रोड जैसी हमारे अंदर, इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं आप लोग हिंदी में, क्या बोलते हैं हम लोग, रीढ़ की हड्डी, तो इसमें बैकबोन भी बोलते हैं इसको, इसके अंदर ये ऐसा नहीं है कि स्टिक रोड है, एक सिंगल रोड है, नहीं, एक छोटी छोटी किससे मिलकर बनती है, छोटी छोटी बोन्स होती हैं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं, और वो बोन्स क्या कहलाती है, उनका नाम होता है वर्टिब्री, क्या नाम होता है उनका, वर्टिब्री, हिंदी में क्या बोलते हैं, कशेरुका, क्या बोलते हैं, कशेरुका, इसीलिए हम कशेरुकी होते हैं, इसीलिए हम वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट है हमारे अंदर, तो ये सारी एक से दूसरे पे जुड़ी रहती है। अब ये रिपीटेशन होता है, क्या इसका कोई बेनिफिट होता है,
इसका हाँ क्या बेनिफिट होता है तब वर्टिब्रा होने का क्या बेनिफिट है? हाँ ये करके दिखा रहे हैं ना जैसे इधर नहीं इसको ऐसे रिएक्ट नहीं हाँ जैसे मतलब मुर्गा बनाने में बोला है बच्चा भी मेन बात है बेंडिंग का रोटेशन का ट्विस्टिंग का मूवमेंट का हम हमारी बॉडी जो फ्लेक्सिबल बनती है जैसे आप अपने तरीके से बता रहे हैं कि एक दो करके एक्शन करके दिखा रहे हैं ऐसे वाला एक को मुर्गा बनना पसंद है तो ये सब जो गतिविधियां हैं ये सब तभी हो सकती है जब हमारी वर्टिब्रा कोलम फ्लेक्सिबल है और ये फ्लेक्सिबिलिटी किससे मिलती है हमारी वर्टिब्रा के रिपीटेशन से उनके रिपीट होने से अगर वो स्टिफ रोड होती है एक रोड होती तो नहीं हो पाता है अगर सिंपल रोड होती तब नहीं हो पाता और ये हमारा बॉडी का जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसका सेंट्रल एक्सिस बनाती है हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है उसका सेंट्रल एक्सिस बनाती है सारे रिब्स वगैरह तो उसी से अटैच होती है ना सेंट्रल एक्सिस बनाती है हमारी बॉडी का ठीक है मेटाबॉलिज्म हो गया प्रोटोकॉल मैंने आपको बता ही दिया अब थोड़ा सा पॉलीफेरा के बारे में बात करते हैं सबसे जो पहला एनिमल ग्रुप वो प्रोटोजोआ होता है लेकिन जो आपके सिलेबस में क्या प्रोटोजोआ दिया हुआ है नहीं है पहले था अब नहीं है तो पॉलीफेरा एनिमल्स जो होते हैं इनको ग्रीक लैंग्वेज में पॉलीफेरा का मतलब ही होता है पोर बियरिंग अब क्यों कहते हैं पोर बियरिंग एनिमल इनको क्या ये केवल इन्हीं के अंदर पोर पाए जाते हैं बच्चों नहीं क्वेश्चन ये नहीं है स्पंजी वगैरह क्वेश्चन मेरा क्या है वो ध्यान सुनो इनका नाम जो दिया गया है रॉबर्ट ग्रांट ने दिया है और एलिस ने सबसे पहले काम किया एनिमल नेचर एस्टेब्लिश की इनको ये कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में पोरी फेरा मतलब पोर बियरिंग फेरा मतलब बियरिंग पोरी मतलब पोर तो इनको ही क्यों पोर बियरिंग या पोर एनिमल कहा गया क्या और एनिमल्स में पोर नहीं होते होते हैं सभी में होते आगे एनिमल्स देखो सभी में होते हैं होते नहीं होते लेकिन इनको पोरी फेरा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले अर्थ के ऊपर पोर इनके अंदर डेवलप हुए अमीबा में इनमें पोर नहीं होते आपने देखा कभी अमीबा आपने अमीबा का स्ट्रक्चर देखा हो यूरिना का देखा हो पैरामीशियम का देखा हो ट्रिप्टोसोमा का देखा हो ये सारे एनिमल प्रोटोजोआ हैं इससे पहले तो एक ही एनिमल ग्रुप है ना बस प्रोटोजोआ उसमें नहीं होता उसमें क्या होता है उसमें सारे जो काम होते हैं एक ही सेल के द्वारा और जनरल बॉडी सरफेस जो बाहर की तरफ की लाइनिंग है मेम्ब्रेन है उसी से हो जाते हैं लेकिन इनमें कौन से एनिमल्स में पोरी फेरा में पोर डेवलप हो जाते हैं और वो जो पोर होते हैं वो पोर क्या काम करते हैं उनके हेल्प से ये चूंकि जो पोरी फेरा एनिमल्स हैं दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एक्सक्लूसिवली का मतलब सारे एक्वेटिक होते हैं कुछ फ्रेश वाटर और ज्यादातर मैराइन वाटर भाई है तो सारे लेकिन पानी में ही कुछ खारे पानी में कुछ साफ पानी में दो चार साफ पानी में भी रहते हैं कुछ बच्चे ऐसा लगता है कि वो पढ़ने के पर्पज से नहीं आए जितना ही अच्छे से पढ़ा लो उनकी जो गतिविधियां हैं वो बंद ही नहीं होंगी छुट्टी के दिन भी आपको पढ़ाया जा रहा है और आप स्पॉइल कर रहे हैं लेक्चर जैसे ये मैं शैतान का डायग्राम आपको एक छोटा सा बनाकर दिखा रहा हूं देखने में ऐसा कोई भी रेगुलर शेप हो सकती है कोई रेगुलर शेप नहीं है कोई इतनी सिमेट्री नहीं होती है अब इसमें क्या जो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको सबसे पहले इसमें ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको ये पोर बन जाते हैं क्या बन जाते हैं बेटा पोर बन जाते हैं इनको बोलते हैं हम इसमें एनिमल्स में डर्मल ओस्टिया क्या बोलते हैं इसको ओस्टिया डर्मल का मतलब स्किन के ओस्टिया और एक कॉमन पोर बनता है ऊपर तो बच्चों को पता होगा क्या नाम है इसका क्या ओपरकुलम ओस्कुलम ये सब
ओपरकुलम, ये होता है ओस्कुलम। ठीक, ये इसका बेस है, इसमें स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, ये इसका कोई सबस्ट्रेटम है जिसमें ये जुड़ा रहता है। तो प्रकृति के अंदर, प्रकृति में अर्थ के ऊपर ऐसे एनिमल जिनके अंदर सबसे पहले पोर बने वो कौन होते हैं? ये पोर कहलाया स्पंजेस होते हैं। और इनके अंदर ये पोर होते हैं, इनके इन्हीं के द्वारा इसकी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चलती हैं। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में क्या आता है? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, सब कुछ काम इसी से आ जाता है। कैसे आता है? इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, आप पढ़ेंगे आगे आगे अगले लेक्चर में आपको मैं डिटेल में और भी पढ़ाऊंगा कि इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है और ये इसका पिक्यूलियर करैक्टर होता है। कैसा करैक्टर होता है भाई? पिक्यूलियर करैक्टर। और इसमें एक पिक्यूलियर सेल होती है, उसका नाम क्या होता है? कोलर सेल या कोएनोसाइट। सभी ने सुना होगा, देखा पढ़ा होगा इसको, कोएनोसाइट और फ्लैजेलेटेड सेल या कोलर सेल। और जो मोस्टली इसके काम होते हैं वो इसके फ्लैजेला के बीटिंग पे ही डिपेंड करते हैं। इसका फ्लैजेला क्या करता है? ये जो होता है ये वाला, ये फ्लैजेला बोलते हैं इसको, है ना? हाँ, इसलिए ये मूव नहीं करता एनिमल, ये एनिमल मूव नहीं करता है, ये सेसाइल होता है। सेसाइल का मतलब होता है जो किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। ये टर्म्स आप आगे भी और समझेंगे। सेसाइल का मतलब होता है जो किसी फिक्स्ड सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं सेसाइल। फ्लैजिट का मतलब होता है जो जैसे समुद्र का पानी है उसके ऊपर के सरफेस पे तैर रहा होता है, ठीक है, वो वहां पे फ्री फ्लोइंग है, पानी के करंट हो जाएगा। और जो एनिमल जिसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो खुद से स्विम कर सकता है, तो उसके लिए लिखा जाता है क्या? एक्टिवली स्विमिंग। क्या कर सकता है वो? एक्टिवली स्विमिंग। तो सेसाइल रहता है, सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है। और ये क्या होता है कि कॉलोनी, अधिकतर क्या होता है? कॉलोनी बना के रहता है। कॉलोनी का मतलब बहुत सारे एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है। जैसे आप मेन जंगल में जाओ पता चलेगी वहाँ जो है ना बांस का बैम्बू प्लांट भी इकट्ठा खड़ा होकर कॉलोनी मतलब हो गई है। वैसे ये समुद्री पानी में नीचे क्या होता है कि ये खड़े रहते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं एक जगह, तो उसको कॉलोनी बोलते हैं। एक ही जगह पे झुंड का झुंड इतना पैदा हो जाता है, कॉलोनी बना देते हैं। कुछ सोलिटरी भी रहते हैं। सोलिटरी का मतलब अकेले भी रहना पसंद करते हैं। अब हम आप बच्चों में ही होता है, कुछ बच्चे ग्रुप्स में रहते हैं, उनका ये नीचे होती है ग्रुप में, उनको कम्फर्टेबल लगता है। कुछ को सोलिटरी अकेले रहना मतलब लगता है, बोले तू जा कहीं भी हमको मतलब नहीं है। तो ये नेचर इसकी भी होती है। अब ये देखने में क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये तो कैसा है? फिक्स्ड है। इसकी अपीयरेंस भी कैसी होती है? देखने में कैसा लगता है? प्लांट के जैसा, कोई घास कैसा लगता है? समुद्री घास होते से कैसा लगता है? समुद्री घास। लेकिन ये एनिमल होता है। अब एनिमल क्यों होता है? ये जब ये चल नहीं रहा है, कुछ इसमें एक्टिविटी दिख नहीं रही है, तभी इसको एनिमल क्यों कह रहे हैं? हमें क्या शौक है? साइंटिस्ट को क्या शौक हुआ कि वो इसको कह रहे हैं कि ये एनिमल ही है? बिकॉज इट शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक होता है होलोफाइटिक, एक होता है होलोजोइक। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन ये दिखाता है। होलोजोइक का मतलब होता है बेटा होलोजोइक। अच्छा, क्या इसके अंदर मूवमेंट होता है? मूवमेंट होता है इसके अंदर? लोकोमोशन? हाँ, लोकोमोशन नहीं होता। वेरी मच क्लियर, लोकोमोशन नहीं होता, मूवमेंट होता है। मूवमेंट में और लोकोमोशन में स्लाइट डिफरेंस है। ये चीज मैंने, ये पेन है, ये यहाँ रखा, ठीक। अब यदि अर्थक्वेक आए ये हिलेगा, पेन हिल जाएगा, या हम टेबल को रोटेट हिला दे, डिस्टर्ब कर दे, तो ये पेन हिलेगा। दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। There is no displacement. There is no displacement. If this pen is displaced from here to there, अगर हमने इस pen को यहाँ से ले जाकर यहाँ रख दिया, तो it is displaced. और ये अगर ये क्षमता इसके अंदर खुद हो, ये pen खुद से चल के जा सके, तो इसके अंदर ये locomote करने की क्षमता है। और जिन animals में ये क्षमता पाई जाती है उनको कहते हैं कि दे आर हैविंग लोकोमोटरी कैपेबिलिटी। और उसके लिए कुछ ऑर्गन होने चाहिए,
जैसे प्रोटोजोआ में आपने पढ़ा होगा कि सीलिया होता है, लेजिला होता है, सुडोपोडिया होता है, या आगे एनिमल्स में आपने देखे होंगे तमाम तरह के अलग अलग उनके अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाते हैं, अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अगर आप आर्थ्रोपोड में देखो डिफरेंट उनके अंदर लेग्स पाई जाएंगी बहुत सारी, हमारे हम लोगों को भी लेग्स मिली हुई हैं, ठीक है, एक चीज इसमें चलता नहीं है मास्टर, ये बोला सर मुझे नहीं पता था कि बोर्ड उसका है, ये बोर्ड उसका है, सब चीज़ें गड़बड़ हो गई है। तो लेकिन इनके बेटा इनके जो लार्वा होता है उनमें मूवमेंट लोकोमोशन पाया जाता है, पैरेन्काइमुला, स्टीलियो ब्लास्टुला, है ना, तो ये इनमें क्या होता है उनके अंदर लोकोमोशन की क्षमता पाई जाती है। अब एक पॉइंट हमने रेज किया था वो करके आगे फिर खत्म करते हैं इसको कि इनको इनकी एनिमल नेचर क्यों होती है। एनिमल नेचर में और प्लांट नेचर में मेन अंतर जो होता है वो होता है फूड प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी, यानी अपना खाना स्वतः निर्माण करने की क्षमता। और ये जिनमें पाई जाती है वो होते हैं प्लांट, ऐसे एनिमल को, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म उनको क्या बोलते हैं, प्लांट, क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है, उनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, और इनमें ये क्षमता नहीं होती है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये अपना खाना स्वतः निर्माण नहीं कर सकते। इन्हें क्या करना होता है, जो पानी इनके अंदर इन कोशिका के द्वारा आ रहा होता है उसी के अंदर ऑक्सीजन होती है, उसी के अंदर क्या होता है कुछ न्यूट्रिएंट्स जो खाने के पदार्थ वो होते हैं वो उन्हें यूज कर लेते हैं और यहाँ से कोशिकाओं से वो बाहर निकल जाते हैं, और इसी के ऊपर ही सारा कैनाल सिस्टम जो काम करता है। कैनाल सिस्टम बहुत आसान है, आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को सिंपल सी बात जान लीजिए, पानी का इसके अंदर आना और बाहर निकल जाना, इतनी सी बात है। पानी एनिमल के इसके अंदर आ जाना और बाहर निकल जाना, यही कैनाल सिस्टम है। लेकिन इसमें इसको लाभ हो जाता है, जब ये अंदर आता है तो ऑक्सीजन रहती है उसमें ज़्यादा और खाने का सामान रहता है, वो उसको ऑक्सीजन को यूज कर लेता है, खाने के सामान को यूज कर लेता है। जब बाहर जाता है तो उसमें ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे अमोनिया होती है वो बाहर निकल जाते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ओवा और स्पर्म। तो ये सारे काम इसके जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं इस पे कैनाल सिस्टम के ऊपर। अब ये क्षमता क्योंकि इसके अंदर है, इसके फ्लैजेला बीट करते हैं ऐसे, है ना, तो उससे पानी का करंट इसके अंदर वो चलता रहता है। अब इसके अंदर तो होलो ग्लोइंग कंडीशन है, एनिमल लाइफ नेचर है, तो इसीलिए इसको एनिमल बोलते हैं। जी होलो ग्लोइंग का मतलब एनिमल के जैसे खाने की क्षमता, है ना, हाँ थोड़ा सा अलग होता है, ये सेलुलर लेवल का होता है तो, लेकिन एनिमल के जैसी भी क्षमता का मतलब ये है, ऐसा नहीं हाथ से ही खाएंगे, नहीं, वो अलग अलग अपेंडिक्स हो सकते हैं लेकिन खुद नहीं बना सकते, खुद सिंथेसाइज नहीं करते, कभी कहीं ग्लूकोज बना लें, ठीक है बेटा। आपका सामान